नमस्ते, मैं विनीता इंद्वार, क्षेत्रीय छात्रा प्रमुख बिहार झारखंड। हम सभी यहाँ पे आज धरना पर बैठे हैं और ऐसी धरना प्रदर्शन आंदोलन जो है पूरे देश भर में अभी चल रही है, पूरे देश भर के सभी राज्यों में, राज्यों के सभी जिलों में भी चल रही है। ये धरना जो है अपने यहाँ तमिलनाडु राज्य के जो तंजावुर जिला है वहाँ पे सेक्रेड हाई स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं कक्षा की छात्रा जो 17 वर्ष की होती है, लावण्या, एक टॉपर स्टूडेंट होती है और जो है उसको धर्मांतरण के लिए जब प्रताड़ित किया जाता है तो वो आत्महत्या कर लेती है। तो इसी विषय पर ये जो है धरना प्रदर्शन है उसके न्याय के लिए। जब जो लावण्या होती है वो जब पढ़ाई करने जाती है तो उसका जो है परिवार एक गरीब परिवार की होती है और जो सेक्रेड हाई स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, वहाँ के जो फादर होते हैं, वो उनको कहते हैं कि अगर आप जो है धर्मांतरण कर लेते हैं तो आपका जो है पढ़ाई वगैरह आपकी मुफ्त होगी, हमारे तरफ से आपको मदद मिलेगा। लेकिन वो लावण्या जो छात्रा होती है वो एक हिंदू परिवार से होती है और वो धर्मांतरण जो है करना वो स्वीकार नहीं करती है और ना ही अपने परिवार को धर्मांतरण करने के लिए देती है। तब जो है उसको निशाना बनाया जाता है स्कूल के तरफ से और उसको जो है बहुत ज़्यादा प्रताड़ना दी जाती है। स्कूल में उसको झाड़ू पोछा लगवाया जाता है, बाथरूम साफ करवाया जाता है और मानसिक तरीके से ना जाने कितनी सारी, अगर हमारे साथ भी अगर छोटी सी भी अगर कोई बात हो जाती है तो हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं। तो एक छात्रा के साथ अगर 2 साल तक लगातार ऐसी प्रताड़ना की जाए तो कितनी ज़्यादा परेशान होगी। तो जो है उसको इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है कि वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाती है और वो कीटनाशक दवाई का सेवन करके आत्महत्या कर लेती है। लेकिन जब वहाँ पे स्कूल वालों को जब पता चलता है कि ये आत्महत्या करने का प्रयास कर रही है तो जो है उसे आनंद फानंद में हॉस्पिटल लिया जाता है और हॉस्पिटल में वो एक बार फिर से जब उसको होश आता है तो वो जो है अपने वीडियो एक बनता है तो उसमें वो जो है अपना बयान देती है कि मेरे साथ में स्कूल में क्या क्या हुआ। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो स्टालिन सरकार है वहाँ की, राज्य सरकार, वो उसके भाई को भी ये कहने के लिए मजबूर करता है कि जो है आपकी जो बहन है वो पागल हो गई थी, आप ऐसा बोलो। मतलब इसका मतलब यही साफ नज़र आता है कि जो वहाँ की स्टालिन सरकार है वो भी एक महिला विरोधी सरकार है। वो लावण्या को न्याय नहीं देना चाहती है। वो जो धर्मांतरण का जो स्कूल में जो शिक्षा का मंदिर है वहाँ पर जो धर्मांतरण का गोरख धंधा जो चलाया जा रहा है उसके वो पक्ष में है स्टालिन सरकार। ऐसा लगता है जैसे कि जो स्टालिन सरकार है वो ईसाई मिशनरियों के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया है। अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पूरे देश भर में ऐसा आंदोलन चल रहा है कि जो लावण्या है उससे न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले। जो लावण्या जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो जब जांच के दौरान पाया जाता है वो, और वो वीडियो में जो है बताती है कि उसके साथ में क्या क्या हुआ, कौन कौन से टीचर्स थे उसको प्रताड़ित करने में, तो उनका जब नाम लेती है तो उनको जेल भी भेजा जाता है। लेकिन जब वो जेल से छूट करके आते हैं वो आरोपी, तो वहाँ के जो विधायक होते हैं, वहाँ की जो प्रशासन होती है वो उसे स्वागत करती है कि आप जेल से रिहा हुए हैं, आपका स्वागत है, ऐसा बोल करके। जबकि उनको जो है लावण्या के न्याय के लिए बात करना चाहिए। लावण्या का परिवार जो है पूरा वो डीएमके सरकार, स्टालिन सरकार का ही सपोर्टर था, इसके बावजूद भी एक बार भी उसके घर में कोई पूछने नहीं जाता है कि उसके घर की स्थिति क्या है। तो इस प्रकार से पता चलता है कि वहाँ की जो सरकार है वो पूरी तरह से वो ईसाई धर्म को बहुत ज़्यादा, जो ईसाई धर्म का जो धर्मांतरण का काम चल रहा है, वो खेल जो चल रहा है, उसके पक्ष में है। और एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए जब दूसरी बेटी सड़क पर उतरती है, वहाँ के मुख्यमंत्री आवास के बाहर में अपनी भावी की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी और उनके साथ ही साथ 2 राष्ट्रीय मंत्री मुथु रामलिंगम जी और हरि कृष्ण जी, उसके साथ ही साथ 33 और जो छात्र होते हैं वो भी जब रोड पर जा करके नारेबाजी लगाते हैं, आंदोलन करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कहते हैं कि लावण्या को न्याय दो, तो वहाँ की जो सरकार होती है वो ईसाई मिशनरी जो है वो आरोपी है उनको बचाने का प्रयास करती है और उनके हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है गलत धारा लगा करके उनको ये कहा जाता है कि ये जो है सरकारी जो संपत्ति है उसे नष्ट कर रही है, उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है और जो जनसेवक है, पुलिस प्रशासन है, उनके ऊपर हाथ उठा रहा है, ऐसा बोल करके उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर गिरफ्तार करने के बाद में उसी दिन, ये 14 फरवरी की घटना है और 14 फरवरी को रात में 11 बजे जो है कोर्ट ओपन होता है, उसके बाद फिर वहाँ पर 12:30 बजे तक ऐसा सुनवाई होती है। फिर सुनवाई के बाद में जो अपने राष्ट्रीय महामंत्री और उनके साथ ही साथ जितने भी कार्यकर्ता होते हैं उनको 14 दिन का जेल हो जाता है। तो जो है हमारे जो कार्यकर्ता है वो अगर न्याय की गुहार लगा रहे तो उनको ही गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है और वो भी असंवैधानिक तरीके से। तो ये जो है बिल्कुल जो है लोकतंत्र का जो अधिकार है उसे कुचलने का प्रयास है एक तरह से। तो हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से जो है सरकार से मांग है कि जो लावण्या है उसे जल्द से जल्द न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले और अपने जो कार्यकर्ता हैं
साथी कार्यकर्ता है उनको जल्द से जल्द रिहा करें। और इस तरह से जो धर्मांतरण का काम है ये केवल एक राज्य में नहीं बल्कि पूरे झारखंड जैसे ही पूरे देश भर के सभी राज्यों में कहीं ना कहीं ये धर्मांतरण का गोरख धंधा खेल खेल ही रहे हैं। तो इस धर्मांतरण के खिलाफ भी जो है कोई ना कोई एक कानून भी बने, ऐसी हमारी मांग है।